Today the topic is very important, that is the sleep power recovery scheme used in induction motor, sleep power recovery scheme. So मैंने जैसे आप लोग को बताया था पहले sleep power. तो sleep power generally जो हम लोग बात करेंगे वो sleep ring type of induction motor के लिए ही basically हम लोग बात करेंगे, क्योंकि rotor resistance control, जैसे कि आप लोग जानते होंगे rotor resistance control. So, rotor resistance control भी किस types के machines के लिए होती है generally? So, वो भी है हम लोग का squirrel, slip ring types of induction motor. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Wound rotor induction motor भी कहते हैं. And you know that slip ring type of induction motor means rotor and stator both have a winding. Stator पे भी winding होती है और rotor पे भी winding होती है. So, rotor में winding होने के कारण हम लोग rotor के resistance को control करके हम लोग speed को control करते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है जब हम लोग सिंपली रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं? यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यदि हम लोग ऐड करते हैं, सपोज यू आर एडिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस वी सिंपली कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर, देन व्हाट विल हैपन? सो यू नो द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कंट्रोल यदि हम लोग करते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट का डिसिपेशन होता है और जो पावर है वो वेस्ट होगा हीट के फॉर्म में. सिंपली रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो एक्चुअली क्या है, स्लिप जो हम लोग का पावर जो वेस्ट हो जाता है, स्लिप पावर जिसको बेसिकली हम लोग स्लिप पावर कहते हैं, तो उस स्लिप पावर को रिकवर बैक दैट स्लिप पावर को हम लोग रिकवरी करके हम लोग उसको क्या करेंगे, फेड बैक टू द सोर्स में फिर से हम लोग उसको फीडबैक करेंगे, मतलब यूटिलाइज हम लोग उसको करेंगे. तो स्लीप पावर रिकवरी स्कीम्स इंडक्शन मोटर को बेसिकली हम लोग समझेंगे, जिसमें दो टाइप्स का स्लीप पावर रिकवरी स्कीम्स जनरली यूज होता है, जो कि एक आपका स्टैटिक सर्वियस ड्राइव कहते हैं और सेकेंड वन इज स्टैटिक क्रैमर ड्राइव. ठीक है, तो यही लेक्चर को जो है कि हम लोग अभी समझते हैं अच्छे से, सिंपल सर ये जो टॉपिक है और लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझ लेते हैं. सो जो जनरल थ्योरी है इक्विवेलेंट सर्किट्स के फॉर्म में मैं समझा देता हूँ, एक सिंपल सा है जो कि स्लाइड बना हुआ है, तो इसमें जो टॉप नहीं है कुछ. तो स्लिप पावर रिकवरी स्कीम्स यूजिंग इंडक्शन मोटर, जो फिगर वन में मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पर जो स्कीम है एक्चुअली जनरली ये स्कीम. ठीक है, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है, ठीक है, so equivalent circuit of a wound rotor, basically मैंने कहा कि wound rotor induction motor, that is also known as sleep ring induction motor. So here voltage VR injected into rotor, assuming stator to rotor turn ratio unity. जो stator rotor का turn ratio का हम लोग मानेंगे, यहाँ पर जो ratio होगा 1 होगा और copper loss is neglected. So you know that this relation, the power developed, this PG minus PR. So you know this is the air gap power. See air gap power. This is the power absorbed by the source. Okay. So here the sign of the PR is PR. PR means this is the power absorbed by the source. Voltage can be controlled by controlling the magnitude and phase of this voltage VR. So when this PR is zero, then what will happen? Motor run on its natural speed. ओके, एंड व्हेन दिस पॉजिटिव पीआर, यदि पीआर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, देन व्हाट विल हैपन, ये वैल्यू यदि बढ़ता है तो पीएम विल रिड्यूस, ये पीएम आपका डिक्रीज करना शुरू करेगा, एंड देयरफॉर मोटर विल रन एट लोअर स्पीड फॉर द सेम टॉर्क. यदि ये पीआर का वैल्यू इंक्रीज करता है तो मोटर विल रन एट द सेम टॉर्क बट लोअर स्पीड. सो ऑलवेज जस्ट पीआर इज मेड इक्वल टू पीजी, यदि पीआर यदि हम लोग का पीजी के बराबर हो जाएगा देन स्पीड विल बी जीरो. So variations of PR from 0 to PG will allow the speed control from synchronous to zero speed. So is PR ka variations ko hum log karke jo speed ka variation 0 to synchronous speed, 0 to synchronous speed tak ka operations hum log achieve kar sakte hain. Kya kar sakte hain? Usko hum log achieve kar sakte hain. Theek hai? So ye actually ye jo hai, ek minute. Okay. कर सकते हैं. तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट स्टेडी स्टेट इक्विवेलेंट सर्किट है. सो यहां पर यदि हम लोग PR एक्चुअली ये तो वोल्टेज सोर्स जो है, जो हम लोग रोटर पे वोल्टेज सोर्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
ये वोल्टेज सोर्स, तो पी आर इज नेगेटिव, दैट इज वी आर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ पावर एंड पी एम विल लार्जर देन पीजी एंड मोटर विल रन एट ए स्पीड हाइयर देन सिंक्रोनस स्पीड। यदि हम लोग क्या करेंगे, पी आर का वैल्यू का नेगेटिव, वी आर जो होगा सोर्स ऑफ पावर, तो पी एम जो होगा हम लोगों का लार्जर देन पीजी, पीजी से ज्यादा हो जाएगा, और पीजी से ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा कि मोटर रन एट हाइयर स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सिंक्रोनस स्पीड, हाइयर देन सिंक्रोनस, बिलो सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब सिंक्रोनस स्पीड, और जो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा मूवमेंट होगा मोटर का, दैट इज कॉल्ड सुपर सिंक्रोनस स्पीड। सो पोलरिटी ऑफ वी आर फॉर स्पीड कंट्रोल अबव सिंक्रोनस स्पीड इज शोन इन दिस वन, दिस अपोजिट साइड, दिस सी डॉटेड लाइन, ओके। सो अबव सिंक्रोनस स्पीड के लिए वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग इस वोल्टेज सोर्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू से पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हेन रोटर कॉपर लॉस इज नेग्लेक्टेड, पीआर इज इक्वल टू, सी हियर, पीआर इज इक्वल टू स्लीप पावर रिकवरी स्कीम, ठीक है, पीआर इज इक्वल टू, जस्ट वेट वन मिनट। सो हियर मोटर एसपीजी स्पीड कंट्रोल बिलो सिंक्रोनस स्पीड इज ऑब्टेन बाय कंट्रोलिंग द स्लीप पावर। तो स्लीप पावर को कंट्रोल करके वी जस्ट कंट्रोल द बिलो सिंक्रोनस स्पीड। सो हियर रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो हम लोग अडॉप्ट करते थे पहले, विच अप्रोच रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, मैंने अभी बताया कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग पावर इन द एक्सटर्नल रजिस्टर इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड, हम लोग बेसिकली जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का यूज करते थे पहले, तो उसमें हम लोग का क्या हो रहा, पावर का वेस्ट हो रहा था, वो पावर को हम लोग रिकवर कर सकते हैं बाय दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, दैट इज द स्लीप पावर रिकवरी स्कीम। सो हियर द टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर जनरली स्टैटिक सर्विस ड्राइव एंड स्टैटिक क्रेमर ड्राइव, दो टाइप का ड्राइव हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सर्विस ड्राइव एंड क्रेमर ड्राइव। सो वन बाई वन करके हम लोग समझ लेते हैं, पहले स्टैटिक सर्विस ड्राइव को समझते हैं। सर्विस ड्राइव बेसिकली देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक हम लोग का पास क्या है, देख सकते हैं ये एक इंडक्शन मोटर जो कि क्या है, वोन्ड रोटर, क्योंकि जो बाहर वाला देख रहे हैं ये क्या है, स्टेटर है, और अंदर वाला क्या है, ये रिंग क्या है, रोटर है, मतलब दोनों में वाइंडिंग है, हम लोग दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। स्लिप पावर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एडवांटेज यही है कि वी कैन एक्सेस बोथ द वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग एज वेल एज स्टेटर वाइंडिंग। सो हियर सी रोटर सिंपली स्टेटर इज कनेक्टेड टू द थ्री फेज सप्लाई, सी हियर थ्री लाइंस हियर, so stator winding is connected to the three phase supply, means we connect due to the grid, simply बोल सकते हैं grid के साथ connect कर दिए हैं, constant supply, constant voltage, frequency सब कुछ है। and now rotor is controlled by the inverters, जो control drive सब कुछ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर bridge rectifier, यहाँ पर thyristor देख रहे हैं, thyristor से यहाँ पर diode rectifier है ना। तो यस, इस स्कीम में हम लोग देख रहे हैं कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एंड स्टेटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ग्रीड एंड रोटर इज कनेक्टेड वाया द वीएससी या ब्रिज इन्वर्टर्स और रेक्टिफायर्स, डायोड रेक्टिफायर्स, और ट्रांसफार्मर मैचिंग करने के लिए वोल्टेज के यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। सो सिंपली स्टेटिक सर्वियस ड्राइव इट प्रोवाइड द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए वुंड रोटर मोटर बिलो सिंक्रोनस स्पीड, a portion of the rotor AC power is converted into DC by diode bridge, jo hum log dekh rahe hain ki pehle jo diode bridge hai wo AC ko DC mein convert kiya, the control rectifier working as an inverter, jo control rectifier laga hua thyristor working as an inverter, dekh sakte hain is figure mein dekhiye, ये जो पहले देख रहे हैं क्या है, डायोड रेक्टिफायर है, ये क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, और फिर डीसी को हम लोग यहाँ पर फिर एसी में कन्वर्ट करते हैं, बायडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, यहाँ पर फ्लो बायडायरेक्शनल नहीं बोलेंगे अभी, मतलब सिंपल इन्वर्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या थायरिस्टर ब्रिज क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है। सो पावर फीडबैक कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द इन्वर्टर काउंटर ईएमएफ VD2 जो हम लोग जो यहाँ पर लिए हैं VD1 एंड VD2 दो वोल्टेज, VD1 इसके लिए, VD2 Since sleep power recovery scheme used in induction motor is fed back to the source, unlike rotor resistance control,
वेयर इट इज वेस्टेड इन रजिस्टर, समझ में आया होगा ये पॉइंट। स्लीप पावर रिकवरी स्कीम क्या कर रहा है, इंडक्शन मोटर का जो पावर वेस्ट हो रहा है उसको सोर्स में फीडबैक कर दे रहा है, सोर्स में फिर से हम लोग भेज दे रहे हैं, मतलब पावर का वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यदि सिंपली रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल यूज करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, टोटली वेस्ट हो जाता है। सो इससे हम लोगों का क्या होगा, एफिशिएंसी में इंप्रूव तो होना ही है स्लीप पावर रिकवरी स्कीम एज कंपेयर टू द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, कन्वेंशनल रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल बाय यूजिंग स्लीप पावर रिकवरी स्कीम्स, द एफिशिएंसी विल बी इंप्रूव्ड, एफिशिएंसी इंप्रूव होगा एंड द ड्राइव इज हायर एफिशिएंसी देन स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल बाय एसी कंट्रोलर। ठीक है, सेम रीजन वही है क्योंकि हम लोगों का पता है फीडबैक कर रहे हैं, पावर का यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई वेस्ट ऑफ पावर नहीं हो रहा है, सो एफिशिएंसी विल बी इंप्रूव बाय स्टैटिक सर्विस ड्राइव। सो दिस इज द सिंपल सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये हम लोग का सिंपल सा सर्किट डायग्राम है स्टैटिक सर्विस ड्राइव का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, एक थायरिस्टर रेक्टिफायर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीज है, बेसिक सर्किट डायग्राम है, थोड़ा सा जानना है। ये हम लोग का आईडी करंट डीसी यहाँ पर एलडी रिएक्टर लगा हुआ है और VD1 इसके वोल्टेज, VD2 इसके अक्रॉस का वोल्टेज है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है और ये सिंपली स्टेटर को ग्रिड से कनेक्ट किए हुए हैं, रोटर को ये कन्वर्टर इन्वर्टर के थ्रू से हम लोग यहाँ पर कनेक्शन किए हुए हैं। ये सिंपली ड्राइव सर्किट फॉर द सर्वियस ड्राइव स्कीम, सर्वियस ड्राइव स्कीम का ये ड्राइव सर्किट है। सो हियर ये जो फॉर्मूला सब है, ये सब फॉर्मूला हम लोग जो पहले डेरिवेशन था ना इन्वर्टर कन्वर्टर का उसी से ही है। सो ड्राइव इनपुट पावर इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर इनपुट पावर एंड द पावर फीडबैक, ड्राइव इनपुट पावर इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर इनपुट एंड द पावर फीडबैक, रिएक्टिव इनपुट पावर इज द सम ऑफ मोटर एंड इन्वर्टर रिएक्टिव पावर, देयरफॉर ड्राइव हैज अ पुअर पावर फैक्टर थ्रू आउट द रेंज ऑफ इट्स ऑपरेशन। सो स्टेटर एंड रोटर ड्रॉप्स को यदि हम नेगलेक्ट करते हैं तो दोनों का वोल्टेज का जो ये फॉर्मूला है VD1, ये एक्चुअली लंबा डेरिवेशन है, यहाँ पर हम लोग याद करके इसको रख सकते हैं। सिंपली जो डायोड्स के केस में जो हम लोग का VD1 वोल्टेज निकल रहा है 3√6/πSVnN और M यहाँ पर रोटर स्टेटर का टर्न्स रेशियो क्या है, स्टेटर एंड रोटर का टर्न रेशियो है एंड VD2 इज इक्वल टू 3, एस तो स्लिप है पता है, स्लिप है 3√6 VD2 is 3√6/πVm/m cos alpha, alpha is the firing angle, alpha हम लोग का क्या है यहाँ पर, this is the firing angle, simple। so ये two equations हम लोग का simple basic equations इसको याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर क्या 3√6/πSVn and 3√6/πVm cos alpha, क्योंकि यहाँ पर हम लोग thyristors का use किए हैं VD2 में, so VD2 में thyristors का मतलब ही है firing angle control करके हम लोग उसको control कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर अल्फा इज द फायरिंग एंगल, ठीक है, एन एंड एम आर द, ठीक है, रिस्पेक्टिव द स्टेटर रोटर टर्न रेशियो ऑफ द मोटर एंड सोर्स साइड टू कन्वर्टर साइड, सोर्स साइड कन्वर्टर साइड, सोर्स मतलब समझ में आ रहा है ना, सोर्स साइड कन्वर्टर साइड, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द सोर्स साइड एंड दिस इज द कन्वर्टर साइड, रोटर साइड, दिस इज रोटर साइड, सी दिस इज द रोटर, दिस इज रोटर साइड कन्वर्टर एंड दिस इज व्हाट, सोर्स साइड कन्वर्टर, क्योंकि सोर्स कहाँ है, 3-phase सप्लाई, this is the source side converter and this is what, rotor side converter, ठीक है, ये rotor side converter है and this is source side converter, दो converter, rotor side converter, this is the source side converter। so actually inductor के case में यदि हम लोग loss को neglect कर देते हैं तो VD1 plus VD2 equal to 0, तो VD1 और VD2 को हम लोग इस values को जो यदि यहाँ पर लिख करके solve करेंगे, ये है ना, इस value को यहाँ पर 3√6/Vn इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, नाउ वी फाइंड आउट दिस एस, एस का वैल्यू आएगा -N/m cos alpha, n/m सिंपली हम लोग ए लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा, तो ये VD1 एंड VD आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VD1 एंड VD2 वी जस्ट फाइंड आउट द स्लीप रिलेशन, दैट्स द ए कॉस अल्फा एंड दिस अल्फा इज सिंपली डिपेंड्स ऑन द फायरिंग एंगल। सो सी हियर सिंपली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज रिस्ट्रिक्टेड टू 165 डिग्री फॉर द सेफ कम्यूटेशन ऑफ इन्वर्टर थायरिस्टर। यहाँ पर यदि हम लोग को कम्यूटेशन, जो कम्यूटेशन समझ में आ ही रहा है, थायरिस्टर का कम्यूटेशन टेक्निक्स, यू नो दैट इज द टर्निंग ऑफ ऑफ द थायरिस्टर इज द कम्यूटेशन, सो सेफ कम्यूटेशन का बात करते हैं, सो 165 डिग्री इज द सेफ कम्यूटेशन ऑफ द इन्वर्टर थायरिस्टर। ओके, सो स्लीप कैन बी कंट्रोल फ्रॉम 0 to 0.9668A। स्लिप का हम लोग, स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 0 to 1 होता है, मैक्सिमम रेंज क्या है, 0 to 1 मैक्सिमम स्लिप विल बी 1,
So 0 to 0.96 है when alpha is changed from 90 to 165 degree. Alpha का वैल्यू को 90 डिग्री से 165 डिग्री तक, ठीक ना? So ये एक्चुअली हम लोग चॉइस पर डिपेंड करेगा, अप्रोप्रिएट चॉइस करेंगे, रिक्वायर्ड स्पीड रेंज हम लोग को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस वैल्यू को जो है कि चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग. एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू जो है हम लोग अल्फा 165 डिग्री, 165 डिग्री बाय अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ ए रिक्वायर्ड स्पीड रेंज कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, सो एक्चुअली हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग इसको एक्चुअली बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं एक कन्वर्टर के थ्रू से, जो जनरली हम लोग रोटर साइड में रेजिस्टेंस को वेरी करा करके स्पीड को कंट्रोल करते थे, क्योंकि कन्वेंशनल कंट्रोल टेक्निक में था जिसमें पावर का वेस्टिंग होता था, लेकिन वो पावर को सेव करने के लिए, पावर को यूटिलाइज करने के लिए जस्ट ये हम लोग देख सकते हैं न्यू सर्किट डिजाइन किया गया जो कि SPR स्लिप पावर रिकवरी स्कीम कहते हैं. एंड दिस इज द सर्वियस ड्राइव. अरेंजमेंट को थोड़ा समझ के रखना पड़ेगा, ये सिंपली हम लोग के पास क्या है, स्लिप रिंग टाइप मोटर है और यहाँ पर ये रोटर के साइड में हम लोगों ने रेक्टिफायर का यूज किया है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का देख सकते हैं यहाँ से पावर जो होगा बाई डायरेक्शनल फ्लो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का इन्वर्टर, यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम लोग का क्या है इन्वर्टर है, क्या करेगा इसको कन्वर्ट करेगा डीसी को एसी में. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट को समझना है थोड़ा सा, और वीडियो वन और वीडियो टू के अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को हम लोग निकाल रहे हैं और उससे हम लोग को एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ है एस स्लीप के फॉर्म और अल्फा फायरिंग एंगल. तो उसका एक रेंज फिक्स है, उस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग को जो स्लीप मिलेगा, ये कॉस अल्फा का वैल्यू और ए का वैल्यू मोटर टर्न्स रेशियो जो है एन और एम, और अल्फा का वैल्यू ये मैक्सिमम रिस्पेक्ट टू 165 डिग्री रखा गया है जो एक सेफली कम्यूटेशन होगा इन्वर्टर का. तो ये 0.966A के लिए है. ठीक है, 0.966A के लिए है. सो ये अप्रोप्रिएट चॉइस है एक रिक्वायर्ड स्पीड रेंज के लिए इस स्कीम पे. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ कुछ रिलेशंस हो रहे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं. सो ट्रांसफार्मर का यूज तो पता है कि मैचिंग द वोल्टेजेस, मैचिंग करने के लिए वोल्टेजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, मैचिंग करने के लिए एक मिनट कहते हैं इसको हम लोग वन ऑफ द स्लिप पावर रिकवरी स्कीम. उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर कुछ कुछ रिलेशन जो था उस अल्फा का वैल्यू को पुट करके एक एम का वैल्यू को निकाला है. सो हियर एस मैक्स मतलब स्लिप मैक्सिमम है, लोएस्ट अल्फा 165 डिग्री ही चूज किया गया है. तो उस समय ये एम का वैल्यू ये एक रिलेशन 0.-0.96 एन बाय एस मैक्स. सो एम जो होगा कि हाईएस्ट फायरिंग एंगल है और मोटर स्पीड जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट मोटर का और इक्विवेलेंट सर्किट सिंपली जो कंप्यूटर ड्राइव का यहाँ पर बात कर रहे हैं जो इन्वर्टर वोल्टेज VG2 को लगा करके हो रहा है. So what will happen here? They improve the drive power factor and reduces the reactive power all speed ranges of the drive. So this is the motor referred to the rotor equivalent circuit. Rotor equivalent. By using the हम लोग जो after क्या जब हम लोग उस control technique को use कर रहे हैं तब. So equivalent circuits of the motor referred to the rotor and this is the equivalent circuit of the drive. Drive. जो इसमें लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग वोल्टेज VG1 and VG2 मतलब ये क्या है ये वोल्टेज व्हाट इज दिस इज द रोटर साइड वोल्टेज एंड दिस इज व्हाट दिस इज सोर्स साइड वोल्टेज. दिस इज द रोटर साइड वोल्टेज, रोटर साइड कन्वर्टर का वोल्टेज एंड VG2 क्या है तुम्हारा सोर्स साइड कन्वर्टर का वोल्टेज. तो एक इक्विवेलेंट सर्किट्स को यहां पर सिंपलीफाई किए हैं. रोटर कॉपर लॉस को नेगलेक्ट कर SPG का वैल्यू क्या आएगा VG2 ID और PG यहां से निकाल लेंगे VG2 ID/S. यहां पर VG2 मतलब समझ में आ ही रहा है, VG2 का मतलब समझ में आ ही रहा है कि जो सोर्स साइड कन्वर्टर का जो वोल्टेज टॉर्क क्या हो जाएगा PG/ωMS. तो VG2 यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को, एक रिलेशन हम लोगों का उस फॉर्म में आया जब हम लोगों ने ड्राइव्स को कंट्रोल किया दिस कन्वर्टर के थ्रू से. सो इस टाइप का ड्राइव को बेसिकली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव बेसिकली क्या यूज करते हैं जहाँ पर वेरिएबल स्पीड्स हो, जैसे कि फैन पंप्स है ना, फैन पंप्स टाइप्स का नैरो स्पीड रेंज में हम लोग यूज करते हैं. नैरो स्पीड रेंज में ठीक है. सो
ड्राइव हैज एप्लीकेशन इन फैन पाम ड्राइव व्हिच रिक्वायर द स्पीड कंट्रोल इन नैरो रेंज ओनली. If maximum slip is denoted by Smax, then the power rating of the diode bridge inverter and transformer can be just Smax times the motor power rating. देखो actually basically basic जो मैं बता रहा हूँ actually समझना होगा basic. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग just control कर रहे हैं वो rotor को by using this technique. और मैंने एडवांटेज बता दिया क्या है कि सिंपली रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग दिस टाइप्स ऑफ स्कीम्स यूज करेंगे जिसको रिकवरी स्कीम कहते हैं, स्लिप पावर रिकवरी स्कीम. तो ये एक स्कीम के बारे में जो है कि मैंने बताया, ये सिंपल क्या बताया मैंने, एक स्कीम के बारे में जो है कि तुम लोगों को बताया कि ये सर्वियस ड्राइव क्या है. ठीक है, अब जो हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग का ये तो हम लोग ने देखा कि फैन और पंप टाइप ड्राइव है, ये कौन सा ड्राइव है, फैन ऑन पंप टाइप ड्राइव के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, फैन ऑन पंप टाइप ड्राइव, सो ये सर्वियस ड्राइव को हम लोग जनरली यूज करेंगे. फिर इसके बाद आएगा हम लोग का स्टैटिक क्रैमर ड्राइव, कौन सा आएगा, स्टैटिक क्रैमर ड्राइव. सो स्टैटिक क्रैमर ड्राइव को भी बताएंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसको.